हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रहस्य ट्रेजर। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हम सबके हीरो यानी कि रतन टाटा की। तो गाइस, रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में वैसे कम ही लोग जानते हैं, पर एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि आखिर इन्होंने शादी क्यों नहीं की। तो चलिए आज लगाते हैं इसी सवाल का पता हमारे आज के वीडियो में। वैसे तो रतन टाटा अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करना अवॉइड करते हैं, पर एक क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में आता है वो ये है कि जिस आदमी के पास सब कुछ है, नॉट ओनली मॉनेटरी थिंग्स बट सच अ गुड कैरेक्टर एंड एवरीथिंग एल्स, उसने शादी क्यों नहीं की। तो रतन टाटा भी इस सवाल से बच नहीं पाए और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में खुलकर बात भी की। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि प्यार के मामले में वो सबसे ज्यादा सीरियस तब थे जब वो अमेरिका में रहा करते थे, और इतनी ज्यादा सीरियसनेस थी दोनों के दरमियान कि दोनों शादी भी करना चाहते थे। बट प्रॉब्लम तब हुई जब रतन टाटा इंडिया वापस आना चाहते थे और उनकी उस टाइम की गर्लफ्रेंड उनके साथ नहीं आना चाहती थी। दरअसल बात 1962 की है, जब इंडिया और चाइना के बीच वॉर चल रहा था, तो कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और सेफ्टी पर्पस की वजह से उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ इंडिया नहीं आना चाहती थी, जबकि रतन टाटा अपनी धरती पर वापस लौटना चाहते थे। और यही वजह थी कि उनका इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया और टाइम के बाद वो टूट गया। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रतन टाटा ने सारी ज़िंदगी बस एक ही लेडी से प्यार किया है। वो खुद बताते हैं कि वो 4 दफ़े सीरियस रिलेशनशिप्स में थे, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अड़चन आ जाती थी कि वो दुल्हा नहीं बन पाए, वो बात शादी तक नहीं पहुँच पाई, जबकि चारों रिलेशन्स बेहद सीरियस थे। पर दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि रतन टाटा को सारी उम्र इस बात का मलाल रह गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही दावे के साथ कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं शादी के बाद चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती। सो दोस्तों, रतन टाटा ऐसे अकेले नहीं है जिन्होंने सिंगल रहना प्रेफर किया। दोस्तों, आजकल सिंगल रहना बाय चॉइस हो गया है और ये ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करें मेल मेंबर्स की, तो उनको कहीं ना कहीं ये वाली चॉइस इसलिए आती है क्योंकि उन्हें लगता है कि बर्डन बढ़ जाता है शादी के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि कहीं ना कहीं आजकल का टाइम ऐसा है कि कोई भी किसी को शादी के लिए पुश नहीं करता, ये नहीं कहता कि तुम्हारी इतनी एज हो गई है, नाउ यू शुड गेट मैरिड। तो इस वजह से थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आ जाता है। और इसी सर्च के अकॉर्डिंग कहा गया है कि फीमेल्स जो हैं वो इसलिए शादी नहीं करना चाहती हैं ज़्यादातर आजकल, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो फ्रीडम है वो नहीं रहती है। बाकी भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे पहले रिलेशनशिप में दिल टूटना या फिर पहले किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में होना, और यहाँ तक कि घर के कामों में ज़्यादा रुचि ना होना। तो ये सब फैक्टर्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ फीमेल्स को डिस्करेज करते हैं शादी के लिए। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है और आपको क्या लगता है कौन सी लाइफ बेटर होती है, सिंगल या फिर कमिटेड।